क्या धर्म, रिलीजन और मजहब एक ही चीज है या फिर ये अलग अलग समुदाय और अलग अलग भाषा में बोले जाने वाले लोगों के द्वारा एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं? आओ दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है कि धर्म, रिलीजन और मजहब सेम ही कॉन्सेप्ट है, एक ही चीज का, बस अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। परंतु दोस्तों, यह सच्चाई नहीं है। धर्म का कॉन्सेप्ट रिलीजन और मजहब से बिल्कुल ही अलग है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें भगवान के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और मूर्ति पूजा की पद्धति को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि धर्म, रिलीजन और मजहब गॉड, भगवान और पूजा पद्धति से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो दोस्तों, इन सब को समझने के लिए हमें मानव के इतिहास से शुरू करना पड़ेगा। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि मानव जब अपने शुरुआती स्टेज पे था अर्थ पे, तो उस समय वह सिर्फ एक मानव था, क्योंकि उस समय तो वह किसी मजहब या किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं ही करता रहा होगा, या तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वह शुरू शुरू में जब अर्थ पे इवॉल्व हुआ था तो एक मनुष्य, सिर्फ एक मनुष्य था, वो कोई रिलीजियस पर्सन, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं था। परंतु बाद में चल के मानव समय के साथ जैसे जैसे इवॉल्व हुआ और समय के साथ जैसे जैसे उसने अपने एनवायरमेंट को, अपने आसपास के चीजों को जब ऑब्जर्व किया रहा होगा, तो सबसे पहले भगवान का कॉन्सेप्ट सामने आया रहा होगा। ये बात मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि जब मानव सभी प्राकृतिक तत्व जिसकी वजह से वो पृथ्वी पे जीवित थे, उन लोगों को धन्यवाद के रूप में उनका पूजा करना शुरू कर दिया रहा होगा, उनको रिस्पेक्ट देने के बहाने, ताकि इसी बहाने लोग उनको नष्ट नहीं करें, उनको लगाएं, जैसे पेड़ पौधे को लगाना, उनको रिस्पेक्ट करना, जल को रिस्पेक्ट करना, जल की मूर्ति बना के उसका पूजा करना, सूर्य की मूर्ति बना के उसका पूजा करना, धरती मिट्टी की मूर्ति बना के उसका पूजा करना, और सभी प्राकृतिक तत्व जिनकी वजह से वो जीवित थे, उन सभी चीज़ों को शुरुआती स्टेज पे मानव जो है वो धन्यवाद देने के रूप में उन सब का पूजा स्टार्ट किया रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो आदि मानव होते थे वो अपने जीवन में प्रकृति के महत्व को कितने बखूबी समझते थे, यहाँ तक कि अभी भी जो कुछ आदि मानव बचे हुए हैं उनको देख के भी ये बात हम समझ सकते हैं। दोस्तों, मानव हमेशा से एक सामाजिक प्राणी था जो हमेशा से समूह में रहा करता था। तो जब आप समूह में रहते हैं तो आपसी मतभेद होना भी स्वाभाविक सी बात है। पर बाद में चल के जैसे जैसे अलग अलग लोग आए, अलग अलग सोच वाले लोग आए, तो सभी लोगों के बीच में आपसी मतभेद हुआ रहा होगा। जब प्राकृतिक तत्वों को धन्यवाद देने के रूप में जिनकी वजह से वो जीवित थे उनको जब पूजा करना बहुत सारे लोगों ने शुरू किया रहा होगा, तो बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध भी किया रहा होगा। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना रहा होगा कि क्यों हम लोग इन सब चीजों को धन्यवाद देने के लिए उनका पूजा ही करें, क्या उनको किसी और तरीके से धन्यवाद नहीं दिया जा सकता, क्या सिर्फ मूर्ति पूजा करके ही उनको धन्यवाद दें? इस तरह से अलग अलग सोच वाले लोग आए रहे होंगे जिसकी वजह से उनमें आपसी मतभेद हुआ रहा होगा, इस तरह से अलग अलग समुदाय का कॉन्सेप्ट सामने आया रहा होगा, और अलग अलग समुदाय ही समय के साथ आगे बढ़ते हुए अलग अलग मजहब और अलग अलग रीजन के रूप में तब्दील होते गए। फिर हमें भगवान और गॉड के कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। भगवान का कॉन्सेप्ट उस परम तत्व को दिखाता है जो संपूर्ण सृष्टि के कण कण में विराजमान है, जिससे संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व है, जिसकी वजह से संपूर्ण सृष्टि में मौजूद उन सभी चीजों का अस्तित्व है,
उस चीज को, उस परम शक्ति को, उस परम तत्व को भगवान के नाम से जानते हैं। जबकि गॉड एक क्रिएटर के कॉन्सेप्ट को दिखाता है, गॉड उस कॉन्सेप्ट को दिखाता है जिसमें जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर होता है, जिसने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है और वो संपूर्ण सृष्टि को चलाता है और अल्टीमेटली सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। इस कॉन्सेप्ट को गॉड दिखाता है। गॉड और भगवान में भी एक डिफरेंस है। तो इसीलिए दोस्तों रिलीजन, मजहब, ये सब अलग अलग तरह की चीजें हैं, पर धर्म का कॉन्सेप्ट इन सब से बहुत ही अलग है। धर्म का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही व्यापक कॉन्सेप्ट है। धर्म एक बहुत ही व्यापक शब्द है। उसके अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें एक पूरा का पूरा वीडियो उसी टॉपिक पे डेडिकेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार मेरे अगले वीडियो का। तब तक के लिए देखते रहिए एस्टर्न फिलॉसफी, ज्ञान जो ज्ञान है जानकारी नहीं।